दात रंग के सपने जुले सपने सुरीले सपने। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पहला आज हम लोग नैनीताल आए हैं और नैनीताल घूमने वाले हैं। आप लोगों को मैं अपने वीडियो के माध्यम से पूरा नैनीताल दिखाऊंगी। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको दिखाती हूँ नैनीताल। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में नैनीताल का विशेष महत्व है। नैनी शब्द का अर्थ है आंखें और ताल का अर्थ है झील। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी आप नैनीताल कैसे आ सकते हैं। नैनीताल आने के लिए आप वायु मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग से भी आ सकते हैं। पंतनगर एयरपोर्ट नैनीताल से 2 घंटे की दूरी पर है। पंतनगर नैनीताल से 70 किलोमीटर दूर है। सबसे निकट रेलवे स्टेशन काठगोदाम है जो नैनीताल से 35 किलोमीटर दूर है। काठगोदाम से आप टैक्सी ले सकते हैं नैनीताल जाने के लिए। दिल्ली से नैनीताल के लिए रोज बस सेवा उपलब्ध है। ये बसें आनंद विहार बस स्टेशन से चलती हैं। आप दिल्ली से टैक्सी भी ले सकते हैं और नैनीताल पहुंच सकते हैं। नैनीताल के सुंदर नज़ारे ले सकते हैं। अब हम झील के पास पहुंच गए हैं और मैं आपको इस झील के बारे में बताऊंगी, नैनीताल के बारे में बताऊंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नैनीताल का मुख्य आकर्षण यहां की झील है। इस खूबसूरत झील में बोटिंग, नौकायान का आनंद लेने के लिए लाखों देशी विदेशी टूरिस्ट यहाँ आते हैं। झील के पानी में आसपास के पहाड़ों की छाया दिखाई देती है। रात के समय जब चारों ओर लाइटें जलती हैं तो इस झील की सुंदरता बढ़ जाती है। झील के उत्तरी किनारे को मल्लीताल और दक्षिणी किनारे को तल्लीताल कहते हैं। झील के किनारे पर बहुत सी दुकानें हैं जहां बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। आप जब नैनीताल आएँ तो बोटिंग का भी मज़ा ले सकते हैं। नैनीताल झील में पैडल नाव को घंटे के हिसाब से किराए पर लिया जा सकता है। एक नाविक भी साथ में आता है। यदि आप स्वयं बोटिंग करना चाहते हैं तो पैडल वाली छोटी नाव भी किराए पर ले सकते हैं जो कि घंटे के हिसाब से आपको बोटिंग के लिए मिल जाएगी और आप धूप में बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। हमें तो बहुत अच्छा लगा। वीडियो को आप पूरा देखें तभी आपको नैनीताल के बारे में पूरी जानकारी मिल पाएगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ और आपको नैनीताल के बारे में जानकारी देने की कोशिश करती हूँ। नैनीताल में शॉपिंग करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर गर्म कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं। यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए बहुत अच्छी बाजार है। माल रोड, बड़ा बाजार, भोटिया मार्केट से आप जम कर शॉपिंग कर सकते हैं। ये भोटिया मार्केट है जहाँ पर मैं अभी आपको ले जा रही हूँ। यहाँ पर आपको गर्म कपड़े, शॉल, जैकेट, कार्डिगन अच्छे और सस्ते मिल सकते हैं। लकड़ी का सामान भी यहाँ पर मिल जाता है, जैम मिलता है, जेली मिलती है। नैनीताल में खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ शॉपिंग, एडवेंचर और लजीज डिशेज का भी आप आनंद ले सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि नैनीताल में कौन सी भाषा बोली जाती है, हम शॉपिंग कैसे करेंगे, कौन सी भाषा में बात करेंगे। मैं आपको बता दूं, नैनीताल में कुमाऊनी भाषा, इंग्लिश और हिंदी भाषा बोली जाती है। यदि आप चाहें कुमाऊनी में भी बोल सकते हैं, हिंदी में भी बोल सकते हैं और इंग्लिश में भी बोल सकते हैं।
मल्लीताल में खुला मैदान है जिसे फ्लैट कहते हैं, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये फ्लैट है, इसको इस जगह को फ्लैट कहते हैं। शाम होते ही सारे टूरिस्ट यहाँ पर एकत्र होते हैं। शाम के समय जब सारे नैनीताल में लाइट जलती है तो नैनीताल की झील देखने लायक होती है। प्रतिवर्ष हजारों लोग यहाँ पर आते हैं। फ्लैट के पास ही नैना देवी मंदिर है। मंदिर के पास ही गुरुद्वारा है जो कि नैनीताल का एकमात्र गुरुद्वारा है, और वहाँ पर चर्च है। नैनीताल में झील के एक और माल रोड, जिसे अब गोविंद बल्लभ पंत मार्ग कहा जाता है, इस रोड के किनारे बहुत सारे होटल, रेस्टोरेंट, ट्रैवल एजेंसी, दुकानें और बैंक हैं। माल रोड मल्लीताल और तलीताल को जोड़ने वाला रास्ता है। झील के दूसरी ओर ठंडी रोड है। यहाँ माल रोड जैसी भीड़ नहीं रहती है, यह रोड व्यस्त नहीं रहती है। पूरी माल रोड के किनारे फुटपाथ हैं जो पैदल चलने के लिए बहुत सुविधा वाला है। शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक माल रोड पर गाड़ियों का आना जाना वर्जित है। सड़क पर केवल यात्री पैदल घूम सकते हैं और बच्चे आराम से खेल सकते हैं। जाड़ों के दिन हैं, दिसंबर का महीना चल रहा है, तो बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं। मौसम भी ठंडा ठंडा कूल कूल हो रहा है। ये मैंने जैकेट पहनी है। नैनीताल में झील के दोनों ओर सड़कें हैं। ताल का मल्ला भाग मल्लीताल और निचला भाग तलीताल कहलाता है। इस समय हम लोग मल्लीताल में हैं। मल्लीताल से तलीताल को जा रहे हैं माल रोड के द्वारा, पैदल चल रहे हैं। इस समय गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन शाम को यहां गाड़ियां बंद हो जाती हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं, और नैनीताल के बारे में अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अब मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार, अल्लाह।